केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इशारों में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन शराब घोटाले का किंगपिन अभी भी जेल के बाहर है। ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इससे डरे हुए हैं कि अगला नंबर उनका है। केजरीवाल का डर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, उनकी बातों में नजर आ रहा है। जब एक डिग्री प्रधानमंत्री जी की डीए की एमए की वेबसाइट पर अवेलेबल है और पिछले 7 वर्षों से है, तो अरविंद केजरीवाल जी को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात, उनके अधिकतर मंत्री जेल में हैं, उनके विधायक इस्तीफे देने पड़े हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। अब वो शराब घोटाले की आग किसके ऊपर आ रही है। उप मुख्यमंत्री तो जेल में है, मुख्य आरोपी जेल में है, लेकिन किंगपिन अभी भी जेल से बाहर है। और अरविंद केजरीवाल का ये डर शराब घोटाले की जांच में उनका नाम एक किंगपिन के रूप में आने पर अब उनको लगेगा कि अगला नंबर उनका है, तो झूठे आरोप प्रधानमंत्री पर लगाएंगे डिग्री के। अरे आप में अहंकार किस बात को लेकर है? देश को केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि उनको ये भ्रष्टाचार एक के बाद दूसरा क्यों करना पड़ा। वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे राजनीति में आने से पहले, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम चलाने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद झूठा नंबर वन अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचारी नंबर वन अरविंद केजरीवाल जी, और वादे करके मुकर जाने में नंबर वन अरविंद केजरीवाल जी, ये कीचड़ उछालने में नंबर वन अरविंद केजरीवाल जी। याद दिला दें कि बीते दिनों सीबीआई अदालत ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा बताया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गौतम अडानी की कंपनी को गैर कानूनी तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भी सवाल उठाया और अदालत गए। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि केजरीवाल अपनी सरकार के भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं।